वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। आज का हमारा जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर रियल नंबर्स स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से लिया गया है, प्रैक्टिस से 2.5। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल, स्वीट और शॉर्ट है, तो इसे ध्यान से देखिए, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या एक्सरसाइज है। ये है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे हम? ये दो लाइन के बीच में x लिखा हुआ है, इसे हम रीड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉड्यूलस ऑफ x। ये अब इस x के तीन वैल्यू हो सकते हैं, या तो वो जीरो से बड़ा होगा, या जीरो होगा, या छोटा होगा। तीनों कंडीशंस में इसका मॉड्यूलस का वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा वो हम देखते हैं। अगर x जीरो से बड़ा है, जैसे 3 है, जीरो से बड़ा नंबर है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगा, सेम x का x ही रहेगा। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 3 ही है। अगर वो जीरो है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो रहेगा। जैसे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5-5, अब 5-5 तो जीरो होता है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम मतलब वो नेगेटिव नंबर है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? अब बुक में दिए हुए डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू है उसका ऑपोजिट, अब यहाँ पर दिया है कि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव का ऑपोजिट तो पॉजिटिव होता है, तो वो उन्होंने थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। मैं एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे इधर लेस देन जीरो है, ये -3, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑपोजिट ऑफ दिस वैल्यू, तो ऑपोजिट इसका माइनस का माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह लिखने की जगह सीधा हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू +3 हम सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर अगर फिल इन द ब्लैंक में कहीं आपको दिया हुआ होगा कि इफ x इज लेस देन 0 देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ऑपोजिट ऑफ x, वो ध्यान में रखना है, ऑपोजिट ऑफ x लिखना है। तो इसे हम ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि ये अगर नंबर लाइन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरह से डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर्स इस तरफ गए या 3 किलोमीटर्स इस तरफ गए, डिस्टेंस तो 3 ही रहेगा, -3 नहीं होगा। इस साइड का भी 3 होगा, इस साइड का भी 3 होगा। दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज ऑल्सो +3। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि किसी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने बोला ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव, तो ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव ही बन गया वो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़े एग्जाम्पल सम्स पे नज़र डाल लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि हमें कैसे सॉल्व करना है, और अगर एग्ज़ाम में इन सम्स में से कोई सम आ गया तो उसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज ऑपोजिट ऑफ -3 विच इज +3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास सम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9-5, तो ये 9-5 का वैल्यू क्या होगा, 4, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। तो जो अंदर करना है प्लस या माइनस वो हम लोग ये मॉड्यूलस के अंदर ही वो कर लेंगे। 8-13 होता है -5, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो ये -5 होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 हम सीधा 5 लिख देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3,
अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 क्या है? 8 है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 3 है, लेकिन ये बीच का जो माइनस साइन है वो वैसे रहेगा, तो इसे नहीं चेंज करना है. हमने -3 को 3 लिखा, 8 को 8 लिखा, और ये माइनस साइन वैसा रहेगा. तो 8 - 3 इसका आंसर है ये क्वेश्चन का 5. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 है. 8 4 = 32. तो ये टाइप का सम है ना, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है जो एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिए. थर्ड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 5 इज इक्वल्स टू +or - 2. इसे हम दोनों वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे. एक बार +2 लेंगे, एक बार -2 लेंगे. तो इसका वैल्यू x - 5 इज इक्वल्स टू 2 और x - 5 इज इक्वल्स टू -2. ये -5 उधर गया, इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा और हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 7. यहाँ पर ये -5 वहाँ गया तो +5 हो गया, और यहाँ पर हमने -2 लिया हुआ है तो -2 + 5 एक प्लस है एक माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन बड़े नंबर की होगी, वो है +3. क्वेश्चन 1, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 - 2. तो इसे हम लिखेंगे 15 - 2 होता है 13. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 होगा 13. सेकेंड सम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 - 9. तो 4 - 9 छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो -5, और नेगेटिव नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा, वो 5 रहेगा. यहाँ पर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, तो ये 7 है इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 भी 4 है +4, तो 7 4 = 28. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 5 इज इक्वल्स टू 1. हमें ये सॉल्व करना है. तो एग्जाम्पल सम्स में हमने कैसे किया था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 5 इज इक्वल्स टू +or - 1 लेंगे, मतलब +1 लेके भी करेंगे और -1 लेके भी करेंगे. तो हमें एक बार लिखेंगे 3x - 5 इज इक्वल्स टू +1. तो इसका आंसर क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 1 + 5, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/3, तो x इज इक्वल्स टू 2 आया. अब यही वापस हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 3x - 5 इज इक्वल्स टू -1 लेके, 3x - 5 इज इक्वल्स टू -1, 3x इज इक्वल्स टू -1 + 5, 3x इज इक्वल्स टू -1 + 5. एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन बड़े नंबर की, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 1 = 4 आ जाएगा. x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवाइड हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर आपको लिखना है और ये वैल्यू या ये ऐसे और, तो फाइनल आंसर भी 2 or 4/3. क्वेश्चन 2 का सेकंड सम हम फिर से वैसे करेंगे, 7 - 2x इज इक्वल्स टू +or - 5. एक बार +5 लेंगे एक बार -5. 7 - 2x इज इक्वल्स टू +5 और 7 - 2x इज इक्वल्स टू -5. अब यहाँ 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x इज इक्वल्स टू 5 - 7. -2x इज इक्वल्स टू, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो -2 आएगा, x इज इक्वल्स टू -2/-2, ये कैंसिल होके x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा. यहाँ पर हमें क्या है,
ये 7 को उस तरफ लेके जाएंगे हम, माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये पहले माइनस 5 सेम रहेगा और ये 7 माइनस हो गया यहाँ पर आके, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 7 और माइनस 5 माइनस 12 होता है, उसमें ऐड करेंगे और साइन माइनस आएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस डिवाइड में कैंसिल हो जाता है और 2 और 12 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 6, तो हमारा आंसर है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ हर स्टेप में आपको और लिखते जाना है। सम नंबर 3, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, पहले हमें क्या लिखना है, प्लस और माइनस 5, इस साइड हम ले रहे हैं प्लस 5, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। अब ये माइनस एक्स यहीं पर है और 10 भी अपनी जगह पे है, ये 8 वहाँ जा रहा है तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो हम इसे साइन चेंज कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पर हम लेंगे और 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5, 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस एक्स अपनी जगह पे है, माइनस 10 अपनी जगह पे है, 8 वहाँ जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो गया, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 18, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 18, तो हमारा आंसर है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 18। तो एक एक स्टेप में और लगाते जाइए। इस एक्सरसाइज का आखिरी सम देखते हैं, हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5, यहाँ हम लेंगे प्लस 5, 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू प्लस 5 और 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये 5 यहाँ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 इंटू 4 आंसर 0 आ जाएगा, तो एक आंसर आया हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इस साइड एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 5 और ये माइनस 5 वहाँ गया तो माइनस 5 हो गया, एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10, यहाँ और लिखते जाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 4, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 40, तो हमारे पास दो वैल्यूज मिले, एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 लेकर और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 40 मिला माइनस 5 लेकर। ये था हमारा आखिरी सम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, थैंक यू।